दोस्तों आप सभी जी टीवी का न्यूज शो तेरी मेरी एक जिंदड़ी तो जरूर देखते होंगे। इस टीवी सीरियल ने बेहद ही कम समय में दर्शकों के बीच में एक खास जगह बना ली है। साथ ही आपको बता दें, इस टीवी सीरियल में नजर आने वाले जोगी एंड माही दोनों ही पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपको इस टीवी सीरियल में पंजाब के खेतों का भी तड़का देखने को मिलेगा। इस टीवी सीरियल में नजर आने वाली जोगी एंड माही की जोड़ी ने दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। जोगी जो की बेहद ही ज्यादा बेफिक्र होते हैं और माही जो की बेताब होती है, इन दोनों की लव स्टोरी ही आपको इस टीवी सीरियल में देखने को मिलेगी। साथ ही आपको बता दें, इस टीवी सीरियल में जोगी का किरदार अद्विक महाजन निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अद्विक महाजन को जोगी का किरदार मिलने से पहले टीवी के कई मोस्ट पॉपुलर अभिनेताओं को ऑफर किया गया था, उनके रिजेक्ट करने के बाद ही ये किरदार जोगी को मिला। अगर आप भी ये सभी बातें जानना चाहते तो वीडियो के एंड तक बने रहे। साथ ही सुपर शो तेरी मेरी एक जिंदगी के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें। नंबर 5, किंसुक महाजन। विदाई जैसे कई और मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल का हिस्सा रह चुके किंसुक महाजन को भी जोगी बनने का किरदार ऑफर किया गया था, लेकिन उस समय किंसुक महाजन ने स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो पांड्या स्टोर साइन कर लिया था, जिसके कारण किंसुक महाजन इस टीवी सीरियल को नहीं कर पाए और उनके हाथों से ये किरदार निकल गया। नंबर 4, जैनिमाम। नामकरण टीवी सीरियल के सुपरहिट अभिनेता जैनिमाम को तो आप जानते ही होंगे। नामकरण टीवी सीरियल में इनके अपोजिट अदिति राठौर नजर आई थी अवनिका किरदार निभाते हुए। इन दोनों की जोड़ी को उस समय दर्शकों ने अपना भरपूर प्यार दिया था और आज भी दर्शक इन दोनों की जोड़ी की डिमांड करते हैं, जिसके बाद आखिरी बार आपने इन्हें एक भर्म सर्वगुण संपन्न टीवी सीरियल में देखा होगा। इस टीवी सीरियल में अभिनय करने के बाद ये किसी और टीवी सीरियल में नजर ही नहीं आए, जिसके बाद इन्हें बिजोगी बनने का किरदार ऑफर किया गया था, लेकिन अपने पर्सनल इशू के कारण इन्होंने इस किरदार को मना कर दिया। नंबर 3, मोहित रैना। मोहित रैना ने टीवी इंडस्ट्री के कई सुपरहिट टीवी सीरियल में अभिनय किया है और शायद ही कोई होगा जो इन्हें ना जानता हो। आज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेरी मेरी एक जिंदगी में इन्हें भी जोगी का किरदार ऑफर किया गया था, लेकिन मोहित रैना ने इस टीवी सीरियल को ये कहते हुए मना कर दिया कि वो अभी फिलहाल अपना करियर बॉलीवुड इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं और वो टीवी इंडस्ट्री से कुछ समय के लिए दूर रहना चाहते हैं, जिसके कारण वो इस किरदार को नहीं कर सकते। नंबर 2, वरुण सोबती। वरुण सोबती को एक खास पॉपुलैरिटी इस प्यार को क्या नाम दो टीवी सीरियल से मिली थी, जिसके बाद इनकी बुलंदी सातवें आसमान पर पहुंच गई थी। साथ ही आपको बता दें, वरुण सोबती शो के मेकर्स की पहली पसंद थे इस टीवी सीरियल के लिए और शो के मेकर्स ने इन्हें ये किरदार सबसे पहले ऑफर किया था, लेकिन वरुण सोबती को इस सीरियल की स्टोरी ज्यादा खास नहीं लगी, जिसके कारण उन्होंने इस किरदार को रिजेक्ट कर दिया। नंबर 1 पर आते हैं रजत टोकस। टीवी इंडस्ट्री के सुपरहिट अभिनेता रजत टोकस को तो आप बखूबी जानते होंगे। इन्होंने टीवी इंडस्ट्री के कई मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल में अभिनय किया है, जैसे कि धरती का वीर योद्धा, चंद्र नंदिनी, जोधा अकबर, तेरे लिए, धर्मवीर और भी कई मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल का हिस्सा रह चुके हैं। इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए शो के मेकर्स ने इन्हें जोगी का किरदार ऑफर किया था, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी होने के कारण रजत टोकस ने इस किरदार को मना कर दिया, जिसके बाद शो के मेकर्स और भी कई मोस्ट पॉपुलर अभिनेताओं के पास ये किरदार लेकर गए और एक के बाद एक उन्हें रिजेक्शन मिलता गया। एट दी एंड वो ये किरदार लेकर पहुंचे अद्विक महाजन के पास और अद्विक महाजन ने इस किरदार को साइन कर लिया और अब आप जोगी के किरदार में अद्विक महाजन को देख रहे होंगे। साथ ही आपको बता दें, इनके अपोजिट अमनदीप सिद्धू माही का किरदार निभाती हुई दिखाई दे रही है। इन दोनों की जोड़ी को आप सभी बेहद ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको अद्विक महाजन जोगी के किरदार में कैसे लगते हैं। साथ ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।